क्या नाम है बेटा आपका? अलीशा। अलीशा, अलीशा आप देख सकती हो? जी बिल्कुल भी नहीं दिखता आपको। अलीशा क्या खाना पसंद है आपको? जी सब कुछ ही खा लेते हैं। सब कुछ खा लेते हैं आप? जी। अच्छा आपको दिखता है? सब्जियाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुशाहिद खान और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली इलाके में। दिल्ली इलाके का ये हॉस्पिटल है, इसका नाम है सफदरजंग हॉस्पिटल। और यहाँ पर एक बच्ची है, अलीशा नाम है इस बच्ची का। इसकी उम्र तकरीबन 10-11 साल है और 10-11 साल की उम्र में अल्लाह ने इसको इस कदर बीमारियाँ दे दी कि उसका इलाज अब नामुमकिन सा है, या है तो बहुत महंगा है। इस बच्ची को दिखाई नहीं देता, आँखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और इस बच्ची को ब्रेन ट्यूमर है, बहुत बड़ी बीमारी है ब्रेन ट्यूमर। इस बच्ची का इलाज होना है, इस बच्ची को अभी यहाँ से रेफर किया जा रहा है और इस बच्ची का दिमाग का ऑपरेशन होना है। बच्ची के माँ बाप हमारे साथ में हैं। सर आप कितनी परेशानी होती है आपको, आप कहाँ से आए हैं? सर हरिद्वार ज्वालापुर से आया हूँ सर जी। और मुझे बेटी के इलाज में से इतनी परेशानी हो रही है कि मैं इसकी मेडिसिन तक नहीं ला पाता सर। ऑपरेशन करा तो बहुत दूर की बात है सर, और आज हम इसका लालन पोषण भी नहीं कर पाते सर, क्योंकि कंडीशन ये हो गई कि मेरा बिल्कुल ही रोज़गार भी ख़त्म हो चुका है इसके इलाज कराते कराते। और आज हम कर्जों में डूबे पड़े हैं, लेकिन अपने बच्चे के इलाज के लिए फिर भी दस उधर मार रहे हैं सर। बाप रो से यही गुजारिश है कि आप हमारी हेल्प करें। कितनी उम्र है आपकी बच्ची की? सर इसकी उम्र 15 साल है। 15 साल तो 15 साल बच्ची को दिखता है थोड़ा बहुत? नहीं दिखता। नहीं इसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता सर जी। इसको सन 2007 से दिखना बंद हो चुका था सर बिल्कुल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके पैरों की जान भी ख़त्म हो गई है और एक हाथ की भी ख़त्म हो चुका है इसका, इस बीमारी के कारण। कितनी परेशानियाँ अभी आपको आ रही है आपके कारोबार में इलाज के लिए? मुझे आपने बताया कि आपने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए, तब एम्बुलेंस करके आप उस बच्चे को यहाँ पर ले गए, क्या है सच है? हाँ जी बिल्कुल सच है सर। और अभी तो मुझे घर पर जाने को उसके लिए पैसे नहीं है सर। आपकी बेटी है, कितनी परेशानी होती है जब आपके सामने आपकी बेटी इस हाल में होती है? ये मेरी बच्ची बहुत अच्छी थी, क्या बताऊँ, ये अभी भी बहुत अच्छी है। ये माँ बाप की कितने ध्यान रखती है इतनी बातों का, बहुत अच्छी है। लेकिन आज तो ये इंटर में होती है, अगर स्कूल जा रही होती है इंटर क्लास में होती और अब इस हाल में ये क्या बताएँ। तो कुछ आपके आप असर आप रोना नहीं है? हिम्मत से काम मेरा, रोना नहीं। ठीक है ना, देखो अल्लाह अल्लाह जो है ना वो सबके सबका सबके साथ है, ठीक है ना। जिसने बीमारी दी है वो ठीक करेगा, ठीक है ना। तो रोने से काम नहीं होना, हिम्मत से काम लेना। अच्छा आप ये बताइए, क्या आपके जो आसपास के लोग थे, आपके रिश्तेदार थे, उन लोगों ने साथ दिया आपका? नहीं, उन्होंने कोई साथ नहीं दिया हमारा जी। जहाँ तक कि मेरे परिवार तक ने मेरा साथ नहीं दिया इसके लिए। बहुत दिनों से हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं। क्या काम करते हो? मैं कपड़े का काम करता हूँ जी। मेरा होलसेल का काम था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। आप ये बताइए, आपका खुद का मकान है या किराए का मकान है? मेरा किराए का मकान है। जो खुद का मकान था उसमें सेल कर दिया था इसी बच्चे के लिए, क्योंकि मुझे उस टाइम पैसे की जरूरत थी 2-3 लाख रुपए की। मैंने वो 2 कमरों का ही मकान तो मैं 3 लाख में ही दे दिया था इसके इलाज के लिए। लेकिन मैं इस इलाज में कोई कमी नहीं आने दी बिल्कुल भी सर। अब मैं किराए के मकान में रहता हूँ, किराए के मकान का मैं आज किराया नहीं दे पा रहा हूँ 3 महीने का, उसका भी रेंट बाकी है मेरे ऊपर। बिजली का बिल बाकी है, किराया आपने अपने बच्चों का एडमिशन कराया नहीं कराया? सर इसका हमने अभी कोई एडमिशन नहीं कराया, क्योंकि हमारे पे इसके एडमिशन कराने तक के पैसे नहीं है सर। मेरी बच्ची की दवाई सर 2,000 रुपये की आ जाती है महीने की, वो 2,000 रुपये नहीं मैं कलेक्ट कर पाता इसकी दवाई के लिए।
लिए कहता है मम्मी मैं स्कूल जाऊंगा, मैंने कहा एक मेरा बैग लाना है। कितने बच्चे हैं आपके पास? दो बच्चे। दो बच्चे, क्या नाम आपको? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान भाई, देखिए अभी तो ज़्यादा पैसे नहीं है हमारे पास में, क्योंकि मैं भी मजदूरी आदमी हूँ, लेकिन जो भी हमसे मदद होगी इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल हम आपकी इतनी मदद कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को आप हरिद्वार, जो जहाँ आप रहते हैं, ज्वालापुर रहते हैं, वहाँ लेके चले जाएँ। इंशाल्लाह जो मदद आएगी वो हम फिर आपको आपका अकाउंट नंबर डाल देंगे, जो मदद आपके पास आएगी इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। ये 5,000 रुपये नहीं, आप लीजिए, ये घर ले जाइए, कोई बात नहीं। इस 5,000 से आप बच्चे को घर ले जाइए। और मैं सभी देखने वालों से अपील करूँगा कि इन भाई की मदद कीजिए। मैं इनका अकाउंट नंबर अपने मैसेज बॉक्स में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। किस बच्ची की, अलीशा की मदद कीजिए। 15 साल की बच्ची है, 15 साल की बच्ची को दिखाई नहीं देता, ब्रेन ट्यूमर है, और डॉक्टर ने कहा है कि इनकी सर्जरी होगी, और उसके बाद भी यकीन नहीं है कि बच्ची सही से चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। एहसास करके देखिए कि जवान बच्ची, 15 साल की बच्ची जब आपके दर पे, आपके दरवाजे पे बैठी हो और इस कंडीशन में हो, तो एक माँ बाप का क्या दर्द होता है। ये माँ है जो अपना दर्द बयां नहीं कर सकती, ये उनकी बच्ची का वाले साहब है। और बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि ऐसी स्थिति में अगर आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी आपका साथ ना दें, तो एक डूब मरने वाली बात है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का साथ दीजिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और ऐसे लोगों की मदद कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप पैसे से मदद नहीं कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक इस बच्ची का हाल पहुँचे। पता नहीं कौन अल्लाह का बंदा इस बच्ची को मदद भेज दे। बहुत बहुत शुक्रिया।